तो मूवी की शुरुआत में हमें स्क्रीन पर एक टेक्स्ट को दिखाया जाता है जिस पर यह लिखा हुआ था कि 1945 से 1962 के बीच में यूएसए ने 331 से भी ज़्यादा न्यूक्लियर टेस्ट किए। लेकिन यूएसए की गवर्नमेंट का आज भी ये मानना है कि इन टेस्ट से कोई भी जेनेटिक इफेक्ट नहीं होता है। फिर सीन चेंज होकर मेक्सिको की एक जगह पर आ जाता है जहाँ पर साइंटिस्ट रेडिएशन प्रूफ किट पहनकर कहीं पर घूम रहे थे और उनके रेडिएशन मीटर पर हाई रेडिएशन शो हो रहा था। एंड सडनली पीछे से कोई आदमी आकर उन्हें एक्स से मारता है और बुरी तरह से उन्हें काटता हुआ जाता है और फिर वो आदमी सभी को गाड़ी से बांधकर घसीटता हुआ ले जाता है। अगेन सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि कई सारे न्यूक्लियर टेस्ट हो रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा तबाही मचा रहे हैं और इनके रेडिएशन से बच्चों की सेहत पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ रहा है और कितना ज़्यादा असर पड़ रहा है वो आप देख ही सकते हैं। दोस्तों मैं आपको मूवी शुरू करने से पहले बता दूं कि न्यूक्लियर बम जितने तबाही मचाते हैं उससे कई ज़्यादा वे न्यूक्लियर रेडिएशन फैलाते हैं और इन बॉम्ब से निकलने वाली न्यूक्लियर रेडिएशन कई सालों तक रहती है। ये रेडिएशन इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि इंसान के शरीर को अंदर तक छेद देती है और इंसान के डीएनए को भी बदल देती है जिससे कि आने वाली पीढ़ी तंदुरुस्त पैदा नहीं होती और वो या तो विकलांग होते हैं या फिर वो पूरी तरह से डिफंक्शन होते हैं, उनके डीएनए में म्यूटेशन हो जाता है। ये इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि जापान में 1945 में एटम बम गिरा था लेकिन उनकी रेडिएशन से बच्चे आज भी विकलांग पैदा होते हैं। और अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना आए तो आप YouTube पर इससे रिलेटेड कई सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं मूवी की ओर। हम ये देखते हैं कि एक आदमी गैस स्टेशन चलाता है और उससे यहाँ पर कुछ अजीब घूमता हुआ दिखाई देता है, जिसके बाद हम ये देखते हैं कि इस आदमी के पास एक बॉक्स है जिसके अंदर एक इंसान का कटा हुआ कान था। फिर गैस स्टेशन पर कुछ लोग आते हैं जो कि कहीं पर जा रहे थे, जिनमें था बिग बॉब, उसकी वाइफ इथेल और उनके तीन बच्चे जिनके नाम थे बॉबी, वेनेसा और लिन। लिन का हस्बैंड था डग और इनकी एक छोटी सी बच्ची भी थी और ये सब बिग बॉब और उसकी वाइफ की एनिवर्सरी के लिए वेकेशन पर जा रहे थे। इनके साथ में इनके डॉग का एक पेयर भी था जिसके नाम था ब्यूटी और बीस्ट और ये जर्मन शेफर्ड ब्रीड के थे। ये सभी इस गैस स्टेशन पर स्टे लेते हैं और गाड़ी में गैस भरवाते हैं, जिसके बाद में ये सभी यहाँ से जा ही रहे होते हैं कि तभी गैस स्टेशन का ओनर आकर इन्हें ये बताता है कि आगे जाने का एक शॉर्टकट भी है जो कि पहाड़ों के रास्ते से जाता है और बिग बॉब इनकी बातों में आकर ये शॉर्टकट ले लेता है। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था लेकिन सडनली रास्ते में नुकीले कांटों के कारण इनकी कार के टायर फट जाते हैं और इनकी कार का ट्रेलर के सहित ही एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन खुशकिस्मती से किसी को भी चोट नहीं आती। यहाँ पर आसपास कोई भी नहीं था और बॉब ये डिसाइड करता है कि वो पैदल वापस गैस स्टेशन पर जाएगा और मदद लेकर आएगा और डग आगे जाकर रास्ता देखेगा कि ये रास्ता कहाँ तक जाता है, जिसके बाद में बाकी के लोग यहीं पर अपना सामान खोल लेते हैं और पिकनिक बनाने लगते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि कोई दूर से उन्हें देख रहा है। फिर यहाँ पर सब बैठे ही होते हैं कि तभी इनकी पेट ब्यूटी भाग जाती है और पहाड़ों की तरफ भागती चली जाती है। ब्यूटी के पीछे बॉबी जाता है उसे पकड़ने के लिए और जब वो पहाड़ों के पीछे जाता है तो वो ये देखता है कि ब्यूटी को किसी ने मार दिया है और उसके पेट से उसकी आंतड़ियां और बाकी का सामान निकाल लिया है। बॉबी ब्यूटी को मरा हुआ देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो भागने की कोशिश करता है लेकिन वो एक गड्ढे में जाकर गिर जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी यहाँ पर एक म्यूटेंट लड़की आती है जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब दिख रही थी। यहाँ पर डग आगे का रास्ता ढूंढने गया था लेकिन उसे आगे रास्ते में एक बहुत ही बड़ा गड्ढा दिखता है जिसमें कई सारी कारें पड़ी थी और ये बड़ा सारा गड्ढा हुआ था न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग के कारण, जिसके बारे में डग को और किसी को भी पता नहीं था और यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि कई सारे गड्ढे थे। बॉब जैसे तैसे गैस स्टेशन पर पहुँच जाता है और वहाँ पर पहुँच कर ये देखता है कि गैस स्टेशन का ओनर यहाँ पर पहले मिल में काम करता था जिन्हें न्यूक्लियर टेस्टिंग के बाद में यहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया। लेकिन कई लोग अभी भी यहाँ पर रहते हैं जो कि डिफंक्शन या फिर म्यूटेंट हो गए थे रेडिएशन के कारण। बॉब ये देखता है कि कोई ओनर को डैडी डैडी करके बुला रहा है जिससे कि ओनर परेशान हो जाता है और खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लेता है। फिर बॉब को भी ओनर का बेटा जो कि म्यूटेंट था वो उसे पकड़ लेता है और घसीटता हुआ अपने साथ ले जाता है। यहाँ पर बॉबी अभी भी गड्ढे में ही बेहोश पड़ा हुआ था
और उसकी माँ और उसकी सिस्टर जैसे तैसे उसको ढूंढ कर लाती है और उसके घावों पर दवाइयाँ लगाती है। फिर बॉब ये देखता है कि उसका दूसरा डॉग बीस्ट भी भाग गया है और डग वापस आकर सभी को ये बताता है कि आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं है और गैस ओनर ने उन्हें झूठ बोला है। अब काफ़ी ज़्यादा रात हो जाती है, बॉब अभी भी नहीं आया था। डॉग लीन को लेकर कार में सो जाता है और बाकी के लोग कार के ट्रेलर में ही सोते हैं। बॉबी सभी को अलग अलग सोने से मना कर रहा था लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। फिर जब सभी सो जाते हैं तो बॉबी निकलता है बीस्ट को ढूंढने के लिए, क्योंकि उसे लग रहा था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत ज़रूर है। डग लीन के साथ में कार में सोया था और बॉबी बाहर था। ट्रेलर के अंदर थे तो सिर्फ वेनिसा और उसकी मॉम। फिर हम ये देखते हैं कि ट्रेलर के अंदर कोई डिफंक्शन या म्यूटेंट वेनिसा के पास आता है और उसके ऊपर नज़र दौड़ाता है, क्योंकि वो यंग थी और खूबसूरत भी थी। यहाँ पर बॉबी को कुछ ना कुछ अजीब जरूर लग रहा था और वो डग और अपनी सिस्टर लिन को जाकर उठाता है और वे सभी ये देखते हैं कि किसी ने बॉब को पेड़ से बांध दिया है और उसके ऊपर आग लगा दी है, जिसके बाद सभी बॉब की आग को बुझाने के लिए भागते हैं। लेकिन वेनिसा अंदर ही सो रही थी और ये म्यूटेंट उसके साथ में कुछ ना कुछ गलत जरूर करने वाले थे। ट्रेलर के अंदर एक म्यूटेंट आता है और वो पहले उनके पालतू पैरेट को खाता है, जिसके बाद में वो वेनिसा को मोलेस्ट कर रहे दूसरे म्यूटेंट से आकर लड़ता है, क्योंकि उससे भी वेनिसा चाहिए थी। दोनों म्यूटेंट वेनिसा के लिए लड़ रहे थे और वो दोनों उसके साथ जबरदस्ती भी कर रहे थे कि तभी अंदर लिन आ जाती है और म्यूटेंट की नज़र लिन पर पड़ती है। लिन अंदर आकर ये देखती है कि उसकी बच्ची म्यूटेंट के पास में है और म्यूटेंट उसे मारने ही वाला है। और फिर एक म्यूटेंट वेनिसा को छेड़ रहा था और दूसरा म्यूटेंट लिन के पास आता है और पहले उसके कपड़े फाड़ता है और फिर वो उसका दूध पीने लगता है। और ये सीन बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग सीन था, क्योंकि लिन कुछ भी नहीं कर पा रही थी और ये म्यूटेंट उसका दूध पी रहा था। लिन उस म्यूटेंट को अपने से दूर भी नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके बच्चा उसके कब्जे में था। फिर तभी यहाँ पर लिन की मॉम आती है उन्हें म्यूटेंट से बचाने के लिए, लेकिन म्यूटेंट उसे गोली से उड़ाकर मार देता है, जिसके बाद में वो म्यूटेंट लिन के ऊपर भी गोली चलाता है और उसके बच्चे को ले जाता है। और जाते जाते वो ये कहता हुआ जाता है कि वो वेनिसा के लिए वापस आएगा। अब यहाँ पर बॉब जलकर मर चुका था और उसकी वाइफ और उसकी बेटी को गोली लगी थी और वो भी अब मरने ही वाले थे। यहाँ पर सबको ये लग रहा था कि वो म्यूटेंट वापस आने वाला है वेनिसा के लिए, जिसके बाद में डग को एक म्यूटेंट का रेडियोफोन मिलता है जिस पर उससे अपने बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी। और डग अगली सुबह बीस्ट को लेकर उन म्यूटेंट को मारने के लिए निकल जाता है। डग सबसे पहले उन गड्ढों में जाता है जिसके अंदर उसे एक टनल मिलती है। डग उस टनल के अंदर घुसता चला जाता है और जब टनल से बाहर निकलता है तो वो ये देखता है कि टनल के दूसरी ओर एक पूरा के पूरा टाउन बसा हुआ है, जो कि पहले एक न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट थी, लेकिन अब यहाँ पर म्यूटेंट रहते हैं। यहाँ पर एक घर के अंदर डग को अपनी बेटी दिखाई देती है जो कि एक म्यूटेंट के पास थी। डग जैसे तैसे अपनी बच्ची के पास पहुंचने की कोशिश करता है और वो उसे उठाकर धीरे से भागने ही वाला था कि तभी म्यूटेंट उसे देख लेता है और उसे पकड़कर एक चैम्बर में डाल देता है, जिसके अंदर और भी सारे लोगों की लाशें पड़ी हुई थी। म्यूटेंट के जाने के बाद में डग जैसे तैसे उस चैम्बर से बाहर आता है और फिर अपनी बेटी को ढूंढने फिर से चला जाता है। डग की नज़र फिर एक म्यूटेंट पर पड़ती है जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब थी, और तभी अचानक डग के ऊपर उस म्यूटेंट का पति हमला कर देता है। वो म्यूटेंट लगातार डग के ऊपर कुल्हाड़ियाँ चलाता है और डग जैसे तैसे उससे बचने की कोशिश करता है, जिसके बाद में म्यूटेंट डग को मार मार के अधमरा कर देता है और बस वो उसकी गर्दन काटने ही वाला था कि तभी डग एक स्क्रू ड्राइवर को लेकर म्यूटेंट के पैर में घुसा देता है और फिर डग म्यूटेंट के ही कुल्हाड़ी से उसके सिर में हमला करके उसे मार डालता है। इस म्यूटेंट को मारने के बाद में डग की हिम्मत और बढ़ गई थी और वो बाहर निकलकर एक और म्यूटेंट को मार देता है, और अंदर जो घिनौनी सी दिखने वाली म्यूटेंट बैठी हुई थी उसे बीस्ट अपने दांतों से काटकर मार डालता है। यहाँ पर डग का बच्चा सेफ था, वो एक रूबी नाम की म्यूटेंट के पास में था, लेकिन दूसरा म्यूटेंट उसे मारने वाला था। डग लगातार अपनी बच्ची को ढूंढ रहा था और वो ये देखता है कि यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी म्यूटेंट है और वो भी बहुत ही ज़्यादा अजीब दिखने वाले हैं। रूबी ये जानती थी कि ये म्यूटेंट डग की बच्ची को मार देंगे और इसीलिए रूबी डग की बच्ची को लेकर वहाँ से भाग जाती है कि ताकि वो म्यूटेंट डग की बच्ची को न मारें। और डग रूबी को अपनी बच्ची को ले जाता हुआ देख लेता है और वो भी रूबी के पीछे पीछे चल देता है। यहाँ पर कार के पास से म्यूटेंट बॉबी की मॉम की बॉडी को ले जाते हैं और वो उसकी मॉम के मांस को खाने लगते हैं। वेनिसा कार के ट्रेलर के अंदर गैस का सिलेंडर खोल देती है और एक माचिस को ऐसे सेट करती है कि जैसे ही कोई गेट खोलेगा माचिस जल जाएगी।
जिसके बाद में बॉबी म्यूटेंट को झांसा देकर लाता है और वो ट्रेलर के दूसरे रास्ते से भाग जाते हैं। म्यूटेंट को ये लगता है कि बॉबी और वेनेसा ट्रेलर के अंदर है। जैसे ही म्यूटेंट ट्रेलर का दरवाज़ा खोलकर अंदर जाने की कोशिश करता है तो गैस और माचिस के कारण अंदर आग लग जाती है और ट्रेलर के साथ साथ वो म्यूटेंट भी जलकर मर जाता है। डग रूबी के पीछे पीछे जा रहा था अपनी बच्ची को बचाने के लिए, लेकिन अगेन एक म्यूटेंट उसके पीछे आ जाता है और वो अपने नुकीले कांटों से डग को खूब मारता है, लेकिन जैसे तैसे डग अपने आप को संभालता है और वो उस म्यूटेंट का सामना करता है। डग बिल्कुल ही अधमरा हो चुका था, लेकिन उसे अपनी बच्ची को भी बचाना था। वो जैसे तैसे उस म्यूटेंट से लड़ता है और डग उस म्यूटेंट से उसकी बंदूक छुड़ाकर उसके पेट में गोली उतार देता है और उसे मार डालता है, जिसके बाद में रूबी डग को उसका बच्चा वापस लौटा देती है। लेकिन हम ये देखते हैं कि पीछे से वो म्यूटेंट वापस उठकर आ रहा है और वो डग को मारने वाला है, जिसे रोकने के लिए रूबी उस म्यूटेंट को पकड़कर खाई में छलांग लगा देती है, जिसके कारण रूबी के साथ साथ वो म्यूटेंट भी मारा जाता है और डग और उसकी बच्ची बच जाती है। मूवी के एंड वाले सीन में हम ये देखते हैं कि जो म्यूटेंट जलकर मरा था उसमें अभी भी थोड़ी जान बाकी है, जिसे वेनेसा एक कुल्हाड़ी से मारकर उसे मौत के घाट उतार देती है। और फिर बॉबी और वेनेसा ये देखते हैं कि डग बीस्ट और अपनी बच्ची के साथ में जिंदा वापस आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी भी कोई म्यूटेंट उन्हें दूर से देख रहा है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी द हिल्स हैव आइज़ की एक्सप्लेनेशन। इस मूवी में कुछ लोग ऐसी जगह पर काम करते हैं जहाँ पर पहले न्यूक्लियर टेस्ट हुआ करते थे, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि वो रेडिएशन की चपेट में है। ज़्यादातर लोग रेडिएशन के कारण मर जाते हैं, लेकिन जो बचते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं कि उनके बच्चे विकलांग पैदा होते हैं और वो खुद भी टेढ़े मेढ़े होते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। गाइज, आपने अगर वामी मूवी नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए। आपको पता ही होगा कि हमारी बॉलीवुड हॉरर मूवीज़ की क्या हालत है, लेकिन वामी सबसे अलग है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो ट्रेलर के बाद इस मूवी को ज़रूर देखिएगा। ऐसा लगता है जैसे ये आफरीन नहीं कोई और, मानो जैसे ये शरीर तो आफरीन का ही है, लेकिन असल में ये आफरीन नहीं है। इस घर में कई ऐसे राज छुपे हैं जो तुम्हारी और मेरी समझ से बाहर है। एक ऐसी दुनिया जो असरात की दुनिया कहलाती है। मैं तुमसे अभी भी यही कहूंगा, ये घर छोड़ के चले जाओ, चले जाओ ये घर छोड़ के।